हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VBA ज्ञान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शो एग्जाम रिजल्ट इजीली इन एक्सेल VBA। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो मार्कशीट का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो रैंडमली बनाया है, रैंडमली स्टूडेंट के नाम लिखे हैं, रैंडमली सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी कॉलम में नाम है, कॉलम डी से लेके कॉलम जे तक 7 सब्जेक्ट हैं, के कॉलम में टोटल है, एल कॉलम में परसेंटेज है, एम कॉलम में रिजल्ट है और एन कॉलम में ग्रेड दिया हुआ है। पास और फेल का रिजल्ट हम एक्सेल में किस तरह से लाते हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। 3 तरह से हम पास और फेल का रिजल्ट दिखा सकते हैं। पहला है इफ कंडीशन। यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला बार में आपको जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो आपको दिखाई देगा। पहली है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन हर एक सब्जेक्ट के लिए 7 बार लगानी है। पहली कंडीशन है इफ D5 लेस देन 40 तो फेल होगा, फिर कॉमा करके फिर से इफ कंडीशन, E5 लेस देन 40 तो फेल होगा, कॉमा करके फिर से इफ कंडीशन, ऐसे करके 7 सब्जेक्ट के लिए 7 बार इफ कंडीशन देनी है और लास्ट में कॉमा करके पास दे दिया है और 7 ब्रैकेट मैंने बंद कर लिए हैं। इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है और फिर फॉर्मूला ड्रैग कर लेनी है। बाद में ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है। अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से लगाते हैं उसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा। दूसरा है एंड कंडीशन। एंड कंडीशन में भी वही है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पहले इफ है और बाद में एंड कंडीशन देके 7 बार एंड कंडीशन लिखनी है और लास्ट में ट्रू और फॉल्स के लिए आपको रिजल्ट दिखाना है। फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके मैं अगर बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए। तीसरा है सबसे आसान तरीका। देखिए कितना शॉर्ट है, इसमें इफ और काउंट इफ का इस्तेमाल करके हमने बहुत ही आसानी से पास और फेल का रिजल्ट दिखा दिया है। इफ कंडीशन लगा के पहले हमारा लॉजिक लगाया है कि काउंट इफ D5 से लेके J5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ 7 सब्जेक्ट में अगर क्राइटेरिया लेस देन 40 है, कॉमा हमने ब्रैकेट बंद कर लिया और इज इक्वल टू, ये 0 है, मतलब किसी में भी किसी भी सब्जेक्ट में लेस देन 40 नहीं है तो पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से पास और फेल का रिजल्ट दिखा सकते हैं। एंटर करके फिर ड्रैग कर लेना है और इन सभी में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए के कॉलम, एल कॉलम और एम कॉलम, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगा नहीं है, फिर भी आपको परसेंटेज भी दिखाई देंगे, पास और फेल का रिजल्ट भी दिखाई देगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपको दिखाई देगा। ये कमाल है। और यहाँ पर क्या है कि ये समझ लीजिए, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया और अब आपको दिखाता हूँ कमाल। यहाँ पर क्लिक किया शो रिजल्ट पे, देखिए अब आपको लगता है कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हटा नहीं था, तो मैं एक बार फिर से सब कुछ डिलीट करके
कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी डिलीट कर देता हूँ। चलिए क्लियर फॉर्मेट्स और ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, जादू देखिए आ गया, अपने आप टोटल भी आ गया और परसेंटेज भी आ गया, पासवर्ड फिल का रिजल्ट भी आ गया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लग गया। तो बहुत ही आसान तरीके से एक्सेल विजुअल बेसिक में एग्जाम का रिजल्ट इस तरह से शो किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।